श्रीक्षेत्र चंदन यात्रा लेखक श्री निर्मल मिश्र। श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ उद्देश्य पालित यात्रा मानक मध्यरे चंदन यात्रा प्रसिद्धि लाभ करछि। एहा बैशाख शुक्ल तृतीया बा अक्षय तृतीया ठारु आरंभ हो ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत 42 दिन व्यापी अनुष्ठित होइथाए। चंदन यात्रा चंदन लागी ओ जलकेली भली दुई भागरे विभक्त। अक्षय तृतीया ठारु 42 दिन लागी चंदन लागी ओ प्रथम 21 दिन जलकेली अनुष्ठित होइथाए। प्रथम 21 दिन जलकेली हेउथिबारु एहाकु बाहर चंदन ओ शेष 21 दिन ठाकुर माने बाहर को न जाई श्रीमंदिर परिसर रे चंदन लागी हेउथिबारु एहाकु भीतर चंदन कुहा जाइथाए। चंदन यात्रार सृष्टि कथा चिंता कले जना पड़े जे सत्य जुगरे अवंती नरेश इंद्रद्युम्न जगन्नाथ को प्रतिष्ठा करी प्रभुंकर निर्देश क्रमे एही यात्रा सृष्टि करथिले। नृसिंह पुराण रे कथित मत अनुजाई नृसिंह सत्यजुगरे चंदन यात्रा अनुष्ठित कराई तहिरे निजे अंश ग्रहण करथिले। महाभारत रे प्रदत्त मत अनुजाई उत्तरापरायण अवकाश रे कुंती श्रीकृष्ण बलराम को डकाई चंदन यात्रा कराइथिले। श्रीकृष्ण और गोपी मानक मध्यरे जलक्रीड़ा सह नाबकेली अनुष्ठित होइथिबा कथा हरिवंश रे अच्युतानंद कहिछंती। आउ एक मत अनुजाई विराट राज्य रे पंचु पांडवंकर अज्ञातवास परे विराट श्रीकृष्ण और बलराम दर्शन इच्छा पांडव मानक निकट रे व्यक्त करथिले एवं एथि निमित्त ग्रीष्म काल रे विराट सरोवर रे जलकेली मंडप निर्माण करथिले। रामकृष्ण पंचु पांडवंक सहित एही सरोवर रे चंदन यात्रा रे अंश ग्रहण करथिले। चंदन कारिका ओ पुरुषोत्तम पुराण मतरे चौद्वार निकट रे थिबा विराट वंशर गजपति माने एही यात्रा प्रवर्तन करथिले। एबे चंदन यात्रा रो रीतिनीति संपर्क रे किछि कुहा जाउ। प्रत्येक दिन श्री मंदिर रो भोग मंडप रे आवश्यक नीति संपन्न हेबा परे विजय प्रतिमा मानंकु आज्ञामाळ दिया जायथाए। मणि विमान रे मदन मोहन और भूदेवी श्रीदेवी बा श्री सरस्वती लक्ष्मी और गजदंत पालिंकी रे रामकृष्ण श्रीक्षेत्र रे अवस्थित नरेन्द्र पुष्करिणी को यात्रा करती। सिंहद्वार रे श्री जमेश्वर मार्कंडेय लोकनाथ कपाळमोचन और नीलकंठ पंच महादेव रूपक पंचु पांडव स्वस्व विमान रे एहांक सहित मिसी सात गोटी जान रे 10 अवतार देवता यात्रा करिथांती। बाटरे देव प्रतिमा माने जगन्नाथ वल्लभ रे चुडंग देवंकु छजा प्रसाद देई सेही मठरु जल सहित चुडंग हनुमानंकु संगरे नै थांती। देवता माने नरेन्द्र पुष्करिणी रे पहुंचिबा परे कर्पूर जल नैवेद्य होइथाए। सेठारे लाल ओ धळा रंगर दुईटी नौका सज्जित होइथाए। रामकृष्ण लाल रंगर बड़ चापरे स्वस्व आसन रे विजय हेबा परे पंचशंभु तांक पछ आसन रे विजय करंती। मदन मोहन और लक्ष्मी सरस्वती धला रंगर पछ चापरे विजय करती। चाप उपरे प्रसाद और बिड़िया लगी परे दिन चाप आरंभ हुए। नरेन्द्र चारिपटे एक घेरा भ्रमण करिथाए। दुई चाप कूल को आसीबा परे दुई चाप एकत्र होई बड़ चापरु रामकृष्ण मदन मोहन चाप को विजय कला परे बंदापना और आलट चामर लगी हुए। यहापर प्रतिमा माने चंदन मंडप उपरे विजय हुंती। चंदन मंडप उपरे तीन गोटी चंदन कुंड सुसज्जित थाए। मदन मोहन लक्ष्मी सरस्वती मंडपर मध्य भागरे रामकृष्ण पूर्व पार्श्वरे ओ पंचशंभु पश्चिम पार्श्वरे थिबा चंदन कुंडरे विजय करंती। विग्रह मानंकर कुंड जल लागी नीति समापन्न हेबा परे पोछापोछी नीति करा जायथाए। यहापर ठाकुर मानंकु पुष्पादिरे बेश करा जेबा परे शीतल मणोही करा जाय। तापरे विग्रह मानंकु नरेन्द्र मंडपरे प्रस्तुत मांडुआ बा पुरोतोष भोग दिया जाई पीड़िया लागी हुए। यहापर विग्रह माने रात्र चाप को विजय हुंती। रात्र चाप नरेन्द्र पुष्करिणी रे तीन थर भ्रमण कला परे विग्रह माने श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करी बटमूले अवस्थान करिथांती। बटमूल रे ठाकुर मानंकु जल लागी करा जाए। एही प्रतिमा मानंकर बाहर यात्रा समय रे श्रीमंदिर रे जीव मानंकर संध्या धूप बढ़िबा परे जय विजय द्वारा बंद रही जगमोहन अंधकार करा जाई थाए। त्रिमूर्ति रे सुबास फूल लागी ओ कर्पूर लागी होई थाए। एहा परे अखंड बैठा लिभा जाई बिड़िया ओ आलट लागी हुए। एहा परे पुणी बैठा लागी ओ पानी पड़ी पणा भोग हुए। एही नीति बढ़िबा बेळकु देव प्रतिमा माने चंदन रु फेरी लक्ष्मी सरस्वती रत्न सिंहासन रे विजय हेबा परे
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିମାନ ହୋଇଥାଏ। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ବିଂଶ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଂଶ ଦିବସର ରାତ୍ରରେ ଚାପ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏକୋଇଶ ଘେରା ବୁଲିଥାଏ ଓ ପ୍ରତିକୋଣରେ ଓ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସାତ ଥର ଲେଖାଏଁ ଭଉଁରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏକବିଂଶ ଦିବସରେ ରାତ୍ରଚାପ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେବବିଗ୍ରହମାନେ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନଚାପରେ ବନ୍ଦାପନା ଓ ହଳଦୀ ପାଣି କ୍ରୀଡ଼ା ପରେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ଦିନକୁ ହଳଦୀ ପାଣି ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଏକୋଇଶ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିତର ଚନ୍ଦନରେ ଦୈନିକ ଦୁଇଥର ଚନ୍ଦନ ଓ ଆଲଟ ଲାଗି ହୁଏ। ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଏକୋଇଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବାମଦେବ ସଂହିତା ମତରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନକାରୀ ବିପୁଳ ଧନ ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ଅନ୍ତକାଳରେ ହରିପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ମତରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରାର ଗନ୍ଧଯାତ୍ରା ଜଳକେଳି ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାପକ୍ଷୟ ଓ ସନ୍ତତି ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇ ଶେଷରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବିଲେପନ ଯେପରି ସନ୍ତାପହାରକ, ସେହିପରି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ତ୍ରିତାପ ବିନାଶକ ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଥା ସନ୍ତାପ ହରିଣମ୍ ଚନ୍ଦନେନାନୁଲେପନମ୍ ତଥୋତ୍ସବ ୟମ୍ ମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସନ୍ତାପ ତ୍ରୟନାଶନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା କେବଳ ଆମୋଦଦାୟକ ନୁହେଁ, ପାପନାଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଏଣୁ କବି ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବଡ଼ ମନୋରମ, ପାପତାପ ନାଶ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ।